संग्राम जिंदगी है, लड़ना तुझे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा वो आगे क्या बढ़ेगा। इसी बात को लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं कि कल 16 तारीख के लिए बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, और कल प्रथम जो पेपर है वो हिंदी का है, क्लास 10th और 12th का। आप सभी की तैयारियां बहुत अच्छी सुचारू रूप से चल रही होंगी। यदि किसी प्रकार की किसी को भी कोई तनाव है तो वो दिमाग में तनाव ना ले, परीक्षा बहुत अच्छी होंगी। जो आपने मेहनत की है उससे भी ज़्यादा, मतलब जो है आप पॉजिटिव सोचें, जितना किया है उससे ज़्यादा ही बेहतर होगा, क्योंकि लास्ट समय में जो है आपका दिमाग है वो बहुत ही तेज कार्य करता है, जितना आपने सोचा भी नहीं होगा उससे ज़्यादा अच्छा है। और आप पूर्व प्रश्न पत्र जो भी आए हुए हैं हिंदी के, उसमें से बहुविकल्पीय देखें, उसमें बहुविकल्पीय देखोगे तो आपको ये गारंटी हम देते हैं 100% कि पूर्व में किए जो क्वेश्चन आए हुए हैं वही आएंगे, उसी का रिपीट कर दो। जैसे 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, इसके सभी के, क्योंकि आपके पास 7-7 सेट हैं, तो हिंदी के वो सेट सभी जो है बहुविकल्पी मार दो, और उन्हीं में से मतलब व्याकरण सबसे ज़्यादा आपको जो ध्यान देना है वो देना है व्याकरण पे, क्योंकि व्याकरण एक ऐसा मतलब टॉपिक है हिंदी का जिससे ठोस नंबर मिलते हैं, उसमें से कुछ कटता नहीं है। आप गद्य पद्य और यार मान लो जो आपका क्या कहते हैं जीवन परिचय, इसमें नंबर कटने के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन व्याकरण में नहीं। अगर अलंकार है, उसकी परिभाषा है, उसके उदाहरण जो भी आ रहे हैं वो आपके लिए ठोस नंबर देंगे। तो ज़्यादातर हम सभी विद्यार्थियों से अनुरोध करेंगे कि आप पढ़ें सब, लेकिन व्याकरण को ज़्यादा ध्यान दें, आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। अगर आपने पूरी साल हिंदी को सही तरीके से पढ़ा है तो आप बेफिक्र रहिए, और अगर नहीं भी पढ़ा है तब भी आप एक दिन में या 2 दिन में हिंदी में बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, यदि आपका मार्गदर्शक सही हो। अगर आप पूरा जीवन परिचय, गद्यांश पद्यांश पर ध्यान देंगे और व्याकरण पर नहीं ध्यान देंगे, अच्छा मेन जो टॉपिक है वो है क्या, कैसा पढ़ा जाए, उस पर ध्यान देना है, तो परीक्षा के समय में किसी प्रकार का तनाव नहीं लेना है, किसी प्रकार का मतलब जो है बाहरी अवसाद से नहीं रहना है, अवसाद मुक्त रहना है। क्योंकि अगर इस समय में किसी प्रकार का तनाव हो गया तो आपके जो किए धरे पे सब पे पानी फिर जाएगा, ठीक है, किसी की बातों पे नहीं आना है, अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छा सुझाव दे रहे हैं, ग्रहण करेंगे, और कोई आपको डिमोटिवेट कर रहा है ऐसे लोगों से आप दूर रहेंगे, और उम्मीद करते हैं कि आपका पेपर जो आपने सोचा है उससे भी ज़्यादा बेहतर होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप जो है अपने लिए नहीं, अपने घर वालों की खुशी के लिए पढ़ रहे हो, वो घर वालों के लिए आपको एक जो उम्मीद है घर वालों को आपके प्रति, उसके लिए आप ऊर्जा शक्ति पूरी लगा दीजिए, और रेस्ट का विशेष ध्यान रखेंगे, इतना ना पढ़ना है लास्ट टाइम में जो कि कल का पेपर आपको पेपर में आपको नींद सी आए। पूरी नींद लेनी है, पूरी पढ़ाई करनी है मन से तन से और समर्पण के साथ में, आपको अच्छे मार्क्स लेके आना है। यदि किसी प्रकार से आपके नंबर में कोई कटौती भी हो जाती है तो उससे दुखी नहीं रहना है, क्योंकि जीवन का अंत यही नहीं है, जीवन का अंत आगे भी है, आगे बहुत सारे परीक्षाएं आएंगी, आपको परिणाम आएंगे, उसमें आपको दुख भी होगा और खुशी भी प्राप्त होगी। दुख से हमें निमटने के लिए आपको भी पॉजिटिव रहना है। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।